देखना मैंने आज इतना कुछ जबरदस्त पास्ता बनाना है, दो मिनट में और मजेदार, आप याद रखेंगे सारी उम्र के लिए। हाय हाय, क्या हो गया चौधरी साहब, रोजा रख के तो पानी मांग रहे, हाथ धोती आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम बहन जी। आप किधर से आ गए वैसे, आप तो गए थे उधर पट्टी साहब के साथ। पट्टी साहब के साथ उस पर ही गया था, रस्ते में नाका लगा हुआ था, उधर पुलिस ने पर्चा काट दिया। है, नाके पे पर्चा क्यों काट दिया? जी बस वो कोई ना कोई गलत हरकत की थी, पट्टी ने आपको मिशन पकड़वाना ही होता तो आपने किया क्या था? ओए, मैंने मास्क लगाया हुआ था, पट्टी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, बस इसी बात पर पर्चा काट दिया इन्होंने। हाँ लेकिन मतलब इस बात पे पर्चा काटने की तो जरूरत नहीं थी, आखिर आप लोग मुअज्जज़ शहरी हैं। मुअज्जज़ शहरी होता है बंदा अपने तौर तरीकों से होता है, इस तरह थोड़ी होता है। और करो तुम कालिया कालिया मुछा तो काले काले बाल हर वक्त डाई लगाए रखते, पकड़ के तो जाके तो पर्चा कटा के बंदा पर्चा कटाता है, चौधरी की नाक तो नहीं कटाता। कोई बात होती है, कोई शान होती है पर्चा कटाने वालों की भी है। आपकी अल्लाह रखे, आपके अल्लाह बख्शे नाना बू बड़ी शान वाले थे, हैं एवं नहीं थे पकड़े गए, भैंसों के पट्ठों की चोरी में पकड़े गए थे तो तब जाके पर्चा हुआ था। तो खैर से आपके अब्बाई हाय क्या याद दिला दिया है, गन्ने की ट्राली चोरी हो रही थी, उसको पकड़वाने के लिए उन्होंने अपनी बक्खी तोड़ा ली, कपड़े फड़वा लिए पर गन्ने नहीं गिरने दिए, तब जाके पर्चा हुआ। बस कर दे हाय आपके दादा अब्बू। चले बस सुने तो रहने दो, बात तो सुने, टमानों के ब्याह में उनके खुसरो के जब वेले लूटते हुए पकड़े गए थे, एवं नहीं था पकड़ा गया, आपने टगे की बात की आपने मुझे तो बता दे अफ्तारी के लिए बना क्या रही है, दिखाए ना। हाय ना रबिया जी, इस वक्त तो आप ठंडी हवा का झोंका मेरी जिंदगी में आई, मैं अभी बताती हूँ। हाँ ऐसे मैं रोजे में गुस्सा नहीं करती। हाय आ गया था गुस्सा वैसे, लेकिन हद कर दी ना उन्होंने, पर मैं सॉरी बहन भाइयों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इतने प्यारे पूर्व मुसरत मौके पे ऐसे रोजे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। लेकिन रबिया जी मैं आपको बताने लगी थी, बताई बताई पास्ता बना रही हूँ, और इसके लिए पहले हम चूल्हा जलाएंगे, ये एक मिनट ठहरे, हमने चीजें रखी हुई। हाँ अच्छा, फिर हमने क्या करना है, ये कॉर्न ऑयल डालना हमने रफान का, बिस्मिल्लाह की बरकत से, ये देखिए ना, हाँ ये डाला। हाँ अच्छा जी, और ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना ऐसे, क्योंकि हमने ये सारी सब्जियां जो है ना इनको करना है थोड़ा सा सोते। कितना प्यारा लफ्ज है सोते, चल चमचा चला है, गुड गर्ल। ये था प्याज जी, अब हमने साथ में डालना है लहसुन, ये देखिए वैसे लहसुन बड़ी अच्छी चीज होती है, अरे दुनिया की हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। पता है मैं कोरोना काम क्यों हुआ था, क्योंकि हम लहसुन अदरक खाते हैं, मसाले खाते हैं। अच्छा चलो खैर बुशरा जी, वैसे लेकिन हम मास्क लगाए तो और ही अच्छा होगा। अच्छा एहतियात बहुत जरूरी है, टमाटर हाँ एहतियात जरूरी है, लेकिन मसाले हल्दियाँ वगैरह भी हमें खानी चाहिए। अच्छा जी, अब इसके साथ हमने ये देखे ना, अरे कितनी प्यारी शिमला मिर्च, प्यार आ गया मुझे, है बंदा जिस तरह के कपड़े पहने उस तरह की शिमला मिर्च ले ले, कितना अच्छा ये शिमला मिर्च है। इसके साथ हमने डालना है ये कॉर्न, मकई। रविया जी मेरी अंग्रेजी अच्छी होगी, बहुत अच्छी, मैं तो बहुत हैरान परेशान और बड़ा फखर कर रही हूँ, देखे ना मैं इम्प्रूवमेंट हो गई है ना कुछ मेरी जिंदगी की। अच्छा जी ये है, अब आप खुश है ना? हाँ बड़ी खुश हूँ, किनार के ना ये क्यूब्स हैं, वैसे की देखिए वेजिटेरियन है सारा कुछ, लेकिन इसमें कोई मीट नहीं डलेगा, नहीं लेकिन इसका मजा आ जाएगा, ये देखे इसका बोरा बोरा करके डाले, बोरा। अच्छा इसका डाला एक, अच्छा ये आधी डालनी है, थोड़ी ज्यादा ना हो जाए, पर इसमें नमक होता है पहले से, इसलिए जब नमक डाले तो ध्यान रखे। अच्छा जी ये है नम 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 नम, इसको कहते हैं सेबेस्टियन क्या, टबेस्कस। हाँ टबेस्कस सॉस, हाँ टबेस्कस, आपने मेरी वैसे हमेशा इस्लाह फरमाई है, बड़ी बहनों का काम यही होता है ना। ये टबेस्कस सॉस डाला हमने इसके अंदर, अच्छा ये मैंने पहले से बॉयल करके ना तो फ्रिज में रख लिए थे। अच्छा तो ये है पेपरिका, इसको कहते हैं पेपरिका, ज्यादा नहीं डाल रही, नहीं थोड़ी है, नहीं जरा चटर पटर है ना, पटा आप ये डाली हमने, देखे क्रीम ये फटाफट ही हो जानी है। अच्छा, ठीक है पहले ठहरे मैं ये भी तो डालूं, हाँ कनौर का जो केचप है ना इसका अपना मजा है,
देखिए वैसे भी आप खा सकते हैं। ये तो बड़ा चटपटा बन रहा है। चटपटा खुल जा सिम सिम। लो जी ये हमने डाला। खैर से कितना डालना है? मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ अभी। वैसे आप चम्मच? हाँ तकरीबन एक टेबल स्पून। ठीक है आपका दिल करे तो फिर अगर आपकी इसमें मकदार ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक हो गया। आप देखे हाय रंग कितना प्यारा हो रहा है। माँ पे गई है इसकी शक्ल है ना प्यार आ रहा है। ये देख क्रीम। अब हमने डाली क्रीम। अरे क्रीम तो वैसे ये आपने बीट करके डाली। हाँ जी ऐसे हमने इसको ना बीट किया था। हमने फेंट लिया था। हाँ, सारी बहनें तो नहीं ना ऐसी बातें करती जैसे कि आप कर रही हैं। अब हमने इसमें डालना है पास्ता। अच्छा ठीक है। आप तो बड़ी तैयार है इसमें पास्ता डाल जाएगा। हाँ डाल जाए। उबला हुआ ना। अच्छा अच्छा ये तो 5 मिनट ही काम होता है ना इसका तो मसला ही कोई नहीं है। ये हो गया। अब हम बेशक इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाले चुटकी भर। ना ही डाले थोड़ा डाल रही हूँ ना मैं। अच्छा। आपने बाद में बढ़ाना हो तो बढ़ा ले। आप टेस्ट करके अपना जो भी आपका टेस्ट होगा उसके मुताबिक। अच्छा ये है पार्मेसान चीज और ये वैसे बहुत कॉमन नहीं होता कहीं कहीं मिलता है। अच्छा अभी हमने थोड़ा सा इसमें डाला है बाकी का हम ऊपर से भी डालेंगे। अच्छा ये है जी बेजल लीव्स। अरे मुंह से निकल गए सही बात। ये थोड़ा सा हमने ऐसे डाला थोड़ा हमने इसको डेकोरेशन के लिए भी ना ऊपर से जो से गार्निशिंग के फ्लेवर भी बहुत। हाँ ये है ना तो बेजल लीव्स है ये। और वैसे मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा इसमें और डालू मैं ये केचप। अगर आपको लग रहा है कि कम है तो डाल दें क्योंकि रोजों में ना जरा कुछ चीज चटपटी हो तो अच्छी लगती है। अभी भी मुझे डर है कि मोटी ना ना हो जाए। सही है अब हम चट नहीं ना सकते। हर चीज की ज्यादती अच्छी नहीं होती है। अच्छा अब मैं आपके लिए इसके लिए डिश ली बस अब और तो कुछ नहीं। नहीं ये हमने ऊपर से बस इसको डेकोरेट बस अब हमने डिश में डालना है। इसमें डाल इतनी प्यारी पिंक डिश है। इसमें देखे ना इसमें निकालते हैं चूल्हा बंद कर लिया बन गया। हाँ है ना बस अब हाथ बताए ये वाली आपने देखा इसका रंग देखे बुरा तो मुझे करने दे। अच्छा अभी और कुछ करना है जाए ना अभी इसके ऊपर हमने चीजिंग भी करनी है। चीजिंग इसके ऊपर थोड़ा सा चीज में डाल दो जरा प्यारा कितना लग रहा है। अल्लो नजर ना लग इसकी तस्वीर खींचती हूँ एक मिनट ऐसे नहीं इसके साथ मेरी सेल्फी ले हैं इसकी ना लेना खाली है। अच्छा आप पकड़े ना मैं आपकी तस्वीर खींचती हूँ देखिए इधर देखिए। अब ये आपने सबको बताना कि मैंने खुद बनाई थी इसको मेज पे रखती हाँ रख दिया लेकिन आपने खाली चमचा ही लाया था। नहीं नहीं मैं तो कुछ किया ही नहीं बताया सारा कुछ मैंने बताया। जाहिर है ना रेसिपी मेरी ना चीजें मैंने काटी ना कुछ भी तो जी वैसे आप आदत की बड़ी अच्छी है लगती नहीं थी लेकिन बड़ा डर लगता था मुझे आपसे। अच्छा जी ना अभी हमने एक समुद्री भी बनानी है। हाँ, हाँ, बनाएं, मैं बताती हूँ देखिए जी। अच्छा बहनों और भाइयों हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हम तो अपनी बातों में और अपने खानों में भूल ही गए कि ब्रेक भी बड़ी जरूरी है। थोड़ी देर में वापस आते हैं आपने कहीं नहीं जाना मुझे छोड़ के। अच्छा लेकिन मैंने आके आपको इतनी को जबरदस्त स्मूदी बनानी सिखानी है आप सहरी में भी पी सकते हैं और शाम को भी पी सकते हैं इफ्तारी के वक्त एनर्जी आ जानी आप में। बस थोड़ी देर में हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। रबिया जी मेरा पास्ता खूबसूरत है ना। हाँ नजर ना लगाना। अच्छा मैं अभी आपके सामने ना एक स्मूदी बनाने लगी हूँ बड़ी मजेदार स्मूदी है। और स्मूदी के अंदर क्या क्या है इसमें योगर्ट है इसमें दूध चीनी और एक मिनट ठहर जा पैरों की मिट्टी ना छटना मैं होने आई। इसके अंदर हमने जो डालनी है एक मजे की चीज वो है स्ट्रॉबेरी। अरे स्ट्रॉबेरी देखे ना कितनी प्यारी है मान से अल्लाह की कुदरत देखे। इस तरह का मैंने सूट बनाया था एक बार अनारी रंग से मिलता जुलता ही था लेकिन स्ट्रॉबेरी का रंग भी अनारी रंग जैसा ही है ना तकरीबन। खुशबू भी बड़ी प्यारी है और देखे अल्लाह की नेमते इसका टेस्ट भी अच्छा है और इसके अंदर सुना बहुत ही विटामिन सी होता है। मैंने भी पता लग गया सारी गल्ला तो जब से कोरोना हुआ हमको डर पड़ गया कि विटामिन सी हो तो B12 हो तो विटामिनों की हमें कितनी प्रभाव पड़ गई है। लेकिन हमने जब इसमें ये मिलाना है ना तो आप देखिएगा क्या इसका मजा आना है। और मजे की बात यह है कि ये चीज आप सुबह सहरी में भी पी सकते हैं अफ्तारी में भी पी सकते हैं और बच्चे
बच्चे तो लूट पा देनी है, सारा डीक लाके पी जाते हैं, बच्चे छड़ते ही नहीं कोई चीज। तो अच्छा ही है ना बच्चों के लिए, हमने ऐसी ऐसी हेल्दी चीजें बनानी होती हैं। तो एक मिनट है, जब इसमें से निकाल लूं जिसके अंदर हमने जो हमने सजावट के लिए रखना है गिलास के ऊपर। अच्छा हमने डन, मैं चमचा से फड़ के ले आवा। रबिया जी ध्याने लगे इन्हें है, तो रबिया जी मेरी सहेली है ना, तो मैं इनके लिए भी बना रही हूँ ताकि जरा इनका मूड अच्छा हो जाए। जरा मुंह पक्का पक्का सा करके बैठी है ना, रोजा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ठहर जाओ। तो ये मैंने डाली स्ट्रॉबेरी बिस्मिल्लाह की बरकत से, और इसमें मैंने डाला था तकरीबन समझ लें कोई 1.5 कप दूध है। कोई सारी चीजें मिलके अच्छी वाली 2 गिलास तो बन जाएंगी ना। अच्छा अब मैंने इसमें डालना है दही। ओए दही तो वैसे भी गर्मियों में आपके बहुत ठंडक होती है दही की, अल्लाह की शान है, कैल्शियम भी बड़ी होती है दही में। लो जी जो लोग दूध नहीं ना ज्यादा पीते, मैंने देखा चीनी डाल के दही खा लेना बराबर हो जाता है कैल्शियम का हिसाब किताब। हाँ जी सहमत चौधरी, मजाक ना छड़ना, एहो जी गल्ला सारियां आ गई ने। अच्छा जी चीनी भी डाल देनी हमने इसके अंदर बिस्मिल्लाह की बरकत से। लेकिन अगर किसी को चीनी ना सूट करती हो भाई, किसी को शुगर होती है, डायबिटीज होती है, तो वो इसमें शायद भी डाल सकते हैं। पर मैं ठहरने एक मिनट है, पैरों की मिट्टी ना छड़ना, मैं बर्फ ले गया। अल्लाह का शुक्र किचन इतना बड़ा है कि दिल करता है टप दी जावा। पहले जमाने हमारे घरों में तो मटके होते थे, हैं? मटकों में से हम पानी पीते थे, पर वो भी बड़ा ठंडा होता था मटका, सच्ची इतना प्यारा पानी होता था उसके अंदर भी। ये रही बर्फ, बर्फ के साथ इसका कुछ मजा ही और है, आप देखिएगा। कितना प्यारा है, बहुत प्यारा। इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है अच्छी तरह। हाँ ये ना हो के ये मिक्स ना हो, जितना को दही अच्छा मिक्स होगा उतना ही मजेदार होगा देखना। और ये स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी आपके अच्छी तरह इसमें डिजॉल्व होने चाहिए। अंग्रेजी चेक की थी मेरी। अरे कितना प्यारा रंग आया गुलाबी। लो जी बन गया, अब होती है इसकी प्रेजेंटेशन। जेंट्री दे मेहमान आए ने, जरा तरीके ना पेश करना है। मैं एक मिनट में आई जरा। ये रे मेरे ग्लास। भाई बात यह है कि हम लोग फैसलाबाद से आए थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमको आगे तरक्की करने का शौक नहीं। मुझे सारा पता था क्या क्या होता है इन लोगों के घर हमने आना करना ना जब फैसलाबाद से, तो ये तो बड़े क्लास के लोग थे, खासतौर पे अम्मा वड्डी तो बड़ी को लेडी डियाना सी भाई। कपड़ों से मैच होता हुआ कितना अच्छा लग रहा है मेरे। वाकई बिल्कुल सेम कलर है ना। रबिया जी वैसे मुझे ये बताएं, ये कमबख्त कोरोना जाएगा कब हमारी जिंदगियों से? हाँ बस दुआ करें, अब तो वैक्सीन का इंतजार है। आए वैक्सीन मैंने तो कब की लगवा ली है, जाओ जाओ, मैं तो कभी की फारिग हो गई हूँ। मैं तो अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। हैं? मेरे तो ख्याल था आप 60 से ऊपर टाप चुकी हैं। वैसे मैंने भी ना अंडर 50 में कॉन्टैक्ट्स पे अपनी वाकफियत पे लगवाई है, वरना उम्र तो मेरी भी कुछ नहीं थी। बिस्मिल्लाह अल्लाह करके चली जाए। लोग भी तो एहतियात नहीं ना करते, जफ्फियां लगाते फिरते। ये ले आओ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखे इसमें दही है, दूध है, सारा कुछ इसमें हेल्दी है। और उसके बाद आपने वो एनर्जी पकड़नी है, तो मैं तो फिर जनाब चॉइस आपके साथ बैठ जा हो जाती है मेरी। अच्छी तरह आप समझाती हूँ उनको जो मेरे दिल में होती है। ये आपने ट्राई करना, प्यारा कितना लग रहा है और मजे का भी होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताएं वो अम्मा वड्डी का क्या हाल है? शी इज वेरी हैप्पी। हाय खैर से उनको बड़ी सूट की है दूसरी शादी माशाल्लाह ताला। वैसे इस उम्र में शादी की जगह अगर वो हज कर लेती तो ज्यादा बेहतर ना होता? अब जाएंगे ना दोनों इकट्ठे हज पे। हाँ हाँ वो भी ठीक बात है वैसे। तो खैर अभी हम चॉइस साहब का भी इंतजार। चॉइस साहब मैं क्या आ जाऊँ, रोजा खुलने वाला है मेरा वक्त। तो बहनों और भाइयों आज हमको अपनी इफ्तारी के वक्त आपसे इजाजत चाहिए, क्योंकि कल मैं आपको अपने और रिश्तेदारों से भी मिलवाऊंगी। और वैसे तो आप भी मेरे रिश्तेदार हैं ना, आपके साथ रोजा खोलने का तो मजा ही कुछ और है ना रबिया जी। तो कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर है। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ कर लें।